बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरबिया से लाइव हूँ इस वक्त मैं आपके साथ। मैं आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। भाई अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर, सऊदी अरबिया की यानी कि इंटरनेशनल फ्लैट्स को लेकर एक अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। जैसा कि आप भाइयों को शायद अभी तक पता चल चुका हो, अच्छा मैं आपके साथ थोड़ी डिटेल शेयर कर दूंगा कि पाकिस्तान की इंटरनेशनल फ्लैट सऊदी अरबिया के लिए कब तक बहाल हो सकती हैं। आप खुद से भी मेरी बात ये सुनकर भाई खुद से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको पता है सऊदी अरबिया ने 3 ममालक से मजीद पाबंदी हटा ली है, यानी कि इन 3 ममालक से आप डायरेक्ट सफ़र कर सकते हैं सऊदी अरबिया का, बशर्ते कि आपको वैक्सीन की दोनों डोज लगी हो। जैसा कि पाकिस्तान से भी अभी अफराद आ रहे हैं जिन मेरे भाइयों को पाकिस्तान से दोनों डोज लगी है जी वैक्सीन की, जो यहाँ से लगवा कर जा चुके थे। तो भाई दुबई जिनमें, जनूबी अफ्रीका है और अर्जेंटाइन है, इन 3 ममालक से आप सऊदी अरबिया में डायरेक्ट आ सकेंगे। एक तो पाकिस्तानियों को ये भी सहूलत मिल जाएगी कि आप दुबई के वाई के थ्रू यानी कि 14 दिन दुबई में स्टे करने के बाद भी सऊदी अरबिया में आ सकते हैं। और दूसरा जनूबी अफ्रीका वगैरह अगर अर्जेंटाइन की बात करें तो वहाँ से भाई आपको पता है बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं, दुबई के थ्रू थोड़ा खर्चा कम होगा, आप दुबई के थ्रू भी सऊदी अरबिया आ सकेंगे। दूसरा आपको मैं यहाँ पर अभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स के मुतल जो पाकिस्तान की हैं उनके मुतलक अपडेट कर देता हूँ। कुवैत ने जैसा कि इंडिया के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल कर दी हैं, तो ये भी एक अच्छी न्यूज़ है। इंडिया वाले भाई भी मेरे कुवैत जा सकते हैं, अभी ये भी एक अच्छी न्यूज़ सामने आ रही है। आपको पता है जी जब कुवैत ने डायरेक्ट फ्लाइट्स बहाल की थी उसके बाद दुबई ने की थी, उसके बाद फिर सऊदी अरबिया ने भी ऐलान कर दिया है, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोनों डोज वाले भाई। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह भाई इंडिया वाले भाई कुवैत जा सकते हैं, आप भाई दुबई के रास्ते सऊदी अरबिया आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान की डायरेक्ट फ्लाइट्स भाई सऊदी अरबिया के लिए कब ओपन होंगी इसके लिए कोई भी किसी किस्म की डेट कोई भी बंदा नहीं दे सकता है अभी तक आपको। लेकिन मेरा खुद का ये मानना है अगर 15 यानी कि इस 9वें माह की सितंबर की 15 तारीख से पहले पहले बहाल हो जाएं तो यही आपके लिए बेस्ट रहेगा। क्यों भाई? भाई 9वें माह की 15 तारीख से पहले बहाल होंगी तो आप भाइयों को टिकट लेने में मुश्किल नहीं होगी, बाद में आपको कोई किसी किस्म की आपकी कोई शरायत मिस होगी आप उसे कंप्लीट करेंगे आराम से टिकट लेकर, यानी कि अगर पहले बहाल हो गई तो आराम से टिकट लेकर सऊदी अरबिया में सफ़र कर सकेंगे डायरेक्ट। अगर आपको भाई 15 तारीख से ऊपर डेट चली जाती है 20, 22, 23, 24 तो फिर आपके पास चंद दिन बचेंगे, क्योंकि आपको पता ही आपके इकामे और छुट्टी सिर्फ 9वें माह की 30 यानी कि सितंबर की 30 तारीख तक बढ़े हुए हैं। फिर आप भाइयों की दौड़ें लग जाएंगी, कोई शरारत मिस होगी उससे कंप्लीट करेंगे, उसके बाद टिकटों के रेट आसमानों से बातें करेंगे। और मैं आपके साथ इंशाल्लाह ताला जल्द ही वीडियो शेयर करूंगा जिसमें आपके साथ एक मुकम्मल तफसील मैं शेयर कर दूंगा जिन भाइयों के अभी तक इकामे छुट्टी नहीं भरी है उनको क्या करना चाहिए। और ये कन्फर्म न्यूज़ है, मैं मकतबे अमल से यानी कि जो मकतब बने होते हैं सऊदी अरबिया के जगह जगह पर वहाँ से मुकम्मल मालूमात ले चुका हूँ, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा।